नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद के बजट सत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 राज्यसभा में एक मत से पारित हो गया। विधेयक पारित होने से 3 मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में उन्नयन हो गया। आइए देखते हैं विधेयक पर सदन में हुई अहम चर्चा का सारांश। प्रिया उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। इस बिल का समर्थन इसलिए करती हूँ कि इस बिल से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारे संस्कृत से का लगाव जो है वो संस्कृति से है और संस्कृति का लगाव सरोकार से है। महोदय, बहुत सारी तहजीबों ने, बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, लेकिन वक्त के बढ़ती रफ्तार के साथ उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता बची हुई है। जो जब जब कहा जाता है कि जो जो अपनी सभ्यता और संस्कृति का को संजो के रखता है उसका ही विकास होता है। और आज हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो 3 संस्थाएं संस्कृत की हैं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा की बात हो रही है। महोदय, अगर संस्कृत की बात कही जाए तो धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो या गीता हो। और हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर के बहुत सारे द्वार में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, इसलिए हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति बची हुई है। महोदय, जब संस्कृत की बात हो तो बिहार को अगर भूल जाया जाए तो ये गलत होगा। महोदय, मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो, हमेशा से रोशनी बिखेरने का काम किया है महोदय। और भारत में का हमारा जो दरभंगा का संस्कृत विश्वविद्यालय है वो 1961 में इसको दरभंगा का ये किया गया, स्थापना हुई, और ये भारत का दूसरा और बिहार का पहला संस्कृत कॉलेज है। मैं चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय से कि आप बिहार की तरक्की जो है वो हमारी संस्कृति हमारा है, इसलिए आप उस दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को भी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमेशा भारत जो है अनेकता में एकता की मिसाल रखता है। जहाँ हम संस्कृत की बात करते हैं, बिहार में उर्दू फारसी मौलाना मजरुल हक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि आप उस यूनिवर्सिटी को भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दें, इसलिए कि पूरे भारत में 10 अल्पसंख्यक केंद्र यूनिवर्सिटी खोलने का भारत सरकार की योजना है। और मैं मांग करती हूँ कि अरबी फारसी जो मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, पटना में है, उसको भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। मैं इसका समर्थन करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। श्री बी लक्ष्मीकांत राव। वी सपोर्ट द बिल एंड वी आर आल्सो हैप्पी टू नोट दैट द 3 यूनिवर्सिटीज आर बीइंग now taken or upgraded as central universities. Sir, we may not be knowing, but still this language, in spite of having gone through lot of difficulties and with the other languages dominating, still it is surviving fully. And in our own country, in Karnataka, in Shimago district, there is a village by name Muttur, where everybody speaks Sanskrit. Yes. Even the housemaid and even the people who are, even the shepherds and everybody, that is they, and it is their language. So that is, I think, according to me, that is only the language where the entire village speaks Sanskrit. So such a, and that is the place where our many of our acharyas and our swamijis will be going and staying there for months together to learn Sanskrit and to know about the
Sanskrit also. So in such a time, in this time, the central government is coming to extend the central government the status to the university, and they are taking in the fold of central government, which is really congratulated the government and the ministry. But sir, while making the bill, there are one or two points which are to be made. That is, in the bill, it is mentioned in the authorities. In the authorities, it is also mentioned there is a court. The court is the powers and duties of the court, like review of the policies of the university and suggest measures for its development, may be kept with the executive council, then the court, which may not be meeting or which may be difficult also, because executive council is 15 members are there, so it is they can do better, that is what I suggest. And then in otherwise also, there is one amendment, sir, for the benefit of the students, that if a student is punished or if it is detained for want of attendance or for want of for anything, so if he is detained, the authority is not executive council. It is executive council that is mentioned. But I suggest the executive council will not be meeting so frequently. And normally in any of the universities in the country or everywhere, the authority to examine or the appeal for the student when he is stopped or investigated or whatever it is, or for the want of attendance, it is vested with the principal or the vice chancellor. So instead of taking it to the executive council, better we give that authority to the vice chancellor or the other persons. Please. Sir, one more point I want to add. One Sri Bhashyam Vijay Sarathi, who has been awarded very recently Padma Shri on this literature, this languages, and this for this literary work which he did, and the books he has written on the Sanskrit. So only my suggestion is that we have got many scholars like this in our country who speak and who know about the Sanskrit. They are to be involved. And according to the university Thank rules, you. It may be degree Thank which you. Is very important. But apart from the degree, Thank you. They are knowing the Sanskrit also important. Thank you. So they may be so, also included. Now Sri K.K. Rageshji, take help please, of those people. Please. Thank you, sir. Sri K.K. Rageshji. Thank you, sir. Sir, the bill seeks to convert 3 deemed universities into 3 central universities. In fact, yes, let there be some institutions to conduct research and advanced studies. But at the same time, we should not lose sight of the fact that the Sanskrit was a monopoly of very few, and it was denied to vast majority of the population. And now people are not using to speak right Sanskrit. It's a fact. And I don't know why the government is giving so much of importance on Sanskrit, and why the same importance, same interest is not given to the other national languages, especially the South Indian languages. And sir, I can tell you one example of the kind of discrimination that is being carried out by the central government. In Kendriya Vidyalayas are directly coming under the HRD ministry. In Kerala, Kendriya Vidyalayas, I am sorry to say, it is so sad that the Malayalam is not being taught. At the same time, till 8th standard, Sanskrit is made as compulsory. And Malayalam, the mother tongue is not being taught. And secondly, sir, I am reminding the government about the 3 language formula which is enunciated, which is adopted in 1968. Even that 3 language formula is not implemented. In Kerala, the state government had decided to ensure Malayalam in CBSE schools also. It was implemented, but some of the schools are not implementing it because they are saying that in Kendriya Vidyalaya it is not implemented. Why we are implementing it? So it is something very, very discriminatory kind of step that the government is taking. So I am requesting the HRD ministry to reconsider that, and I am requesting you to give prominence, importance to all other national languages also, especially the
regional languages, South Indian languages, which are also national languages. And I'm requesting you not to discriminate any language. Thank you. Thank you, K.K. Rageshji. Sri M. Sanmugam. Sir, there are 6 classical languages: Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Odia, and Malayalam. The government is obsessed with Sanskrit language at the cost of other classical languages. Though it is not a spoken language among the masses, but other languages like Tamil, which is more than 2,000 years old and still it is a living language, it is a spoken and a written language not only in India but in many more countries. The government spent in the last 3 years ₹643 crores for Sanskrit, but only 22 crores for Tamil, which is this kind of stepmother treatment to our mother tongue. The government is trying to impose language like Sanskrit and Hindi on the people who are not willing, and this would vitiate atmosphere peace of and community harmony. In the statement of object and reason, the government has said this will also help in enhancing the opportunities for the imparting education in the field of Indian philosophy, yoga, Ayurveda, naturopathy, which is not correct. If you take Siddha system of medicine, whole research is made in the herbal plants and the treatment is provided for each and every disease. These are all basically discovered and practiced by Tamil saints. If you take Thirukkural, there is no parallel in any language as far as philosophy is concerned, which is quoted many times by our Prime Minister. The recent archaeological findings done in Adikanallur and Kilidi of South have amply proved to ancient civilization of Dravidian culture dating back of 3000 BC. We demanded the establishing a museum to display the materials recovered from the archaeological site, but unfortunately the government says they don't have funds. In the Central Institute of Tamil Language established in Chennai, there are many posts living vacant, including the head of the department, director, professor, major staff, and research scholars. I demand that one Central University of Tamil Language be established in Tamil Nadu, since the bill is totally biased and discriminatory against other classical language. I oppose. Time is over. Thank you. Support this bill. Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this important piece of legislation, which aims to promote and propagate the Sanskrit, which is called Deva Bhasha or Devvani, not only within the country but also the other parts of the world. Sir, I am very happy that Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth at Tirupati is also being given a central university status through the proposed legislation. It's a demand, long-standing demand, which has been languishing for the last 30 years or so, sir. Sir, I have 3 suggestions to be made to the Honorable Minister. Sir, I suggest for consideration of the Honorable Minister to ask all the 3 deemed universities which are now being given central university status to adopt at least 10 villages to make sure that the majority of the people in the adopted villages speak Sanskrit language, and Government of India has to provide special grants for this purpose. Sir, my next suggestion is, sir, the Honorable Prime Minister has asked MPs, Member of Parliament, to adopt one village under PM Adarsh Gram Yojana, have a scheme kind of a thing under which every MP is mandated to adopt just 2 villages to promote and propagate Sanskrit in his entire term of 5 or 6 years, as the case may be, so that 1,600 villages will start speaking, if not 100%, at least 50%, to keep this language alive. Sir, and in the 18th Lok Sabha, we can mandate MPs to adopt two more villages, so that 1,600 villages can be covered with Sanskrit speaking people, and this can go on. Sir, this is a broad idea. This is a broad idea I got from the PM Adarsh Gram Yojana, and the Honorable Minister may fine tune this. Sir, coming to RSV Tirupati, Vidyapeeth Tirupati, I wish to submit that the post of the professor
in Sahitya is lying vacant. Two posts of assistant professor in Sanskrit education and research are lying vacant. There are so many vacant posts, and I request the Honorable Minister to look into this issue. With these observations, we support this bill. Jari hai, Rajya Sabha mein Sanskrit Vishwavidyalay Vidhyak 2019 par hui ahem charcha ka saransh. Milte hain break ke baad. Jari hai, Sansad Samvad. भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। राज्यसभा में 3 मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों के उन्नयन के लिए प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में हुई चर्चा में कुछ सदस्यों ने अन्य भारतीय भाषाओं के विकास को भी समान महत्व देने की मांग की। वहीं ज्यादातर सदस्यों का मानना था कि संस्कृत हमारी संस्कृति का हिस्सा है और भारतीय ज्ञान विज्ञान दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम है। आइए देखते हैं चर्चा का सारांश। सर, संस्कृत इज अ लैंग्वेज विच हैज अ ग्रेट हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। सर, इट्स अ लैंग्वेज विच हैज विटनेस्ड सो मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिस्ट्री। In that language, great debates took place in the country, in ancient history. The debates between spiritualism and even the materialism. Sir, that language was the language not only of the Devas. In Sanskrit, debates were there, initiated by Kapila, Kanada, Charvagas. Those debates show how great the Indian tradition is. Sir, it is not only one-sided. The Indian tradition, Indian history, Indian culture is multi-faced, full of diversity. And this bill tries to negate that. That's why I object it. Sir, no doubt there's a great communist leader in the country whose name is Rahul Samgrityayan, great Sanskrit scholar. And his words are to be read. Sir, Sanskrit is a language which has a real past history. But the moment it became the language of the Vedas and the gods and Devas, it ceased to become the language of the people. That's why the decline began. Even now, the government wants to impose Sanskrit on the country. And the ministers tell that it is the language of the unity. How can, sir, a language spoken by several thousands can become a language of unity of the Indian people? How the courts and courts of India can accept that when it's imposed, India can be unified? So this kind of ideas, which one cannot support, is not the way to promote a language. The love for a language is understandable. But this way, with political motivation, to impose a language and to give it unnecessary and undue significance, it is going to harm the very existence of the language itself, sir. That's why the imposition of the language, Sanskrit, it's a part of an ideology, and that ideology in India once taught that there is one thing called language of the country. In India, that's most anti-Indian feeling. India cannot have a language of the country. India is a country which has several languages, several dialects, several cultural types. Forgetting that, a government and ideology which is trying to impose a unilateral idea on the country's future is coming with a bill to introduce a Sanskrit university, central university for the country may not be very, very helpful for the country's future. That's why we feel that it needs to be discussed further, sir. Then only we can go forward. Thank you, sir. Thank you. Srimati Vandana Chauhan ji. Thank you, sir. So on behalf of my party, I stand to support the bill.
So Sanskrit is our ancient language and we are proud of its richness and the legacy it represents. So the present bill in a way does justice to the language by upgrading 3 deemed universities teaching Sanskrit into central universities. So within a very short time at my disposal, I want to flag 3 important issues. One is, sir, that the vacancies in these universities have not been filled for a long time. So there are about 120 universities in the country which offer Sanskrit as a subject or language. There are 15 Sanskrit universities, 3 deemed universities funded entirely by the central government and 12 universities funded by the state government. Sir, the figures in June 2019, as an answer to one of the questions posed, sir, 809 posts were at that time lying vacant out of the sanctioned 1,748 in the Sanskrit universities and institutions. So the ratio, which should be a teacher to student ratio, should be 1:28. But due to these vacancies, it is now 1:52, which is almost double. So in November 2019, again to answer to a question in this house, the Sanskrit Mahavidyalayas affiliated to the UGC also had 709 vacant posts, sir. So my request to the minister, sir, is that apart from forming the universities, it's very important that we have a proper infrastructure and also teaching staff. So my second issue is that which Mr. Jairam Ramesh ji has already been very vocal about, that all classical languages should be accorded equal importance and there should be no discrimination. So currently there are 6 languages which have been accorded the classical language status: Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia. On the one side, the government spent ₹643.84 crores on Sanskrit in the last 3 years, as against a total meager 29 crores on the 5 classical languages put together, which is a whopping 22 times, sir, of the total budget aligned for the classical languages. The government has not set aside any separate fund for Malayalam and Odia, nor has the government set up any centers for excellence for these languages. So there has been a long-standing demand from Maharashtra to accord Marathi as a classical language. I urge the government to expedite this and make this happen. So my last point, which is very important, I want to laud the government for including clause 7 of the bill, which states that the university shall be open to all persons of either sex, whatever caste, creed, race or class. University cannot adopt or impose any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the university or hold any other office to be admitted. Yes. So there has been a case recently, sir, where one Dr. Firoz Khan, who was appointed as an assistant professor in the SVDV at the Banaras University, his appointment in November, just because he was a Muslim, the students there said that he has not to teach us and he was removed from the post. So this should not happen, and therefore, so that is why this provision is very important and it should be dedicated in its letter and spirit. Thank you. Mr. Deputy Chairman, Chair, with all the force under my command, as a product of anti-Hindi movement, I strongly oppose bill. The purpose of the making these universities as central universities to eliminate the other languages. This bill could be called abominable, destructive bill, which will lead to balkanization of India, a Sanskritized India in which other language areas will not find a place. The most sinister design could be found that the university may determine diploma and confer degrees or other academic certificates to persons on the basis of examination, evaluation or any other method of testing. What is the meaning of that any other method? That method is Gurukula. In April 2019 RSS conference at Ujjain, the most important resolution adopted is the Gurukula education should be spread all over India in all the educational institutions. Professor Jha. Shukriya, Upsabhapati Mahoday. Vidya dadati vinyam, vinyat dadati patratam. Vidya agar vinay deti, to hum kai maamlon mein sanjeedgi se pesh aate. Main pehli cheez kahun, mananiya mantri mahoday ko aapke madhyam se. इस बिल के पक्ष में हूं, लेकिन आशंकाएं हैं जो मेरे कई साथियों ने कही
तमाम क्लासिकल लैंग्वेजेज जो हैं उनके लिए हमारी वही प्रतिबद्धता होनी चाहिए जो संस्कृत के लिए है। सर, संस्कृत को हमने देववाणी के रूप में जाना। मैंने तो पहले मौके पर संस्कृत छोड़ करके अपनी मातृभाषा मैथिली ले ली थी विद्यालय के दौरान। देववाणी अगर इतनी महत्वपूर्ण होती, लोगों की वाणी होती, तो गौतम बुद्ध को लोकवाणी में नहीं जाना पड़ता, पाली और प्राकृत में। ये हम सबको समझना चाहिए, ये आवश्यक है। सर सर, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि 28 में माननीय मंत्री महोदय 28 क्लॉज में ऑनरेरी डिग्रीज की आपने बात की है, इसको खारिज कर दीजिए माननीय मंत्री महोदय। लेसर ऑनरेबल्स आर गेटिंग ऑनरेरी डिग्रीज, ये उचित नहीं है। और मेरे एक सहयोगी रामगोपाल जी ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है, डोंट कॉल इट स्टूडेंट काउंसिल, इट्स एन अपोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब आप कहते हैं स्टूडेंट काउंसिल, प्लीज कॉल इट स्टूडेंट्स यूनियन। और जब मैं आपके इस बिल के पक्ष में हूं तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन तीन डीम्ड यूनिवर्सिटी से आगे जाकर के सर देवघर में है, मेरे अपने गृह जिले सहरसा में महिषी है, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका आपकी तवज्जो चाहता था। आप चाहें कि उसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दर्जे में दें। ठीक, प्लीज। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषा को जाति के साथ नहीं बांधना चाहिए। हिंदी, संस्कृत या जो भी हिंदुस्तान की भाषाएं सबकी हैं, उसी तरह उर्दू भी सिर्फ मुसलमान नाम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वो हम सब के लिए है। मेरा ये सबमिशन है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर रहे हैं। ये संस्कृत भाषा अगर देखा जाए तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सबसे पावरफुल भाषा है ये। आज भी हिंदुस्तान में कितने अनुष्ठान होते हैं, कितने ही हवन होते हैं, कितने और होते हैं, किसी भी भाषा का, हिंदुस्तान के चाहे वो तेलुगु भाषा हो, कन्नड़ भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, सबको अल्टीमेटली संस्कृत के ही भाषा का प्रयोग करना पड़ता है और उसी से ही देवताओं का आह्वान करते हैं अपने रिचुअल्स में। तो इस भाषा का अलग महत्व है। जैसे हमारा सनातन धर्म है, ये सनातन भाषा है, तो मैं तो मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने की चीज़ है सर, ये खाली यूनिवर्सिटी बन के ना रह जाए। ये इस तरह के एक आंकड़े आते हैं कि यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज रह जाती हैं, प्रोफेसर नहीं मिलते, शिक्षक नहीं मिलते, विद्यार्थी नहीं मिलते, उस और भी हमें पूरे ध्यान सभी इसका यूनिवर्सिटी बनाने का लाभ होगा। अगर उसमें का हम नहीं आ पीछे रह गए तो ये फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी पीछे रह जाएंगे। अभी तो एक पर्टिकुलर जाति के लिए जनरल देखा जाता है कि संस्कृत को अडॉप्ट करते हैं। हमारे आज भी सदन में कुछ सदस्यों ने संस्कृत में बोला, मैं समझता हूँ कि वो भी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको संस्कृत का ज्ञान है। लेकिन ये सभी जातियों में जाना चाहिए और बिल में भी प्रावधान किया गया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन इसको घर घर तक पहुंचाने की बात है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। मैं बधाई देना चाहूँगा मानव संसाधन मंत्री जी को कि जो हमारा 2014 का संकल्प था, हमने इस विधेयक के माध्यम से उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। तीन संस्कृत डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का काम किया। माननीय दुनिया का सबसे समृद्ध साहित्य किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में इतना समृद्ध साहित्य रचा नहीं गया जो संस्कृत भाषा में रचा गया। माननीय आज भी वेद हों, पुराण हों, इतने हजारों वर्ष पहले जिनकी रचना हुई थी, आज भी वो समसामयिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं। मान्यवर गीता, जिसे सारी दुनिया श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण करती है, और आज मैं समझता हूँ पाश्चात्य देशों में भी श्रीमद् भागवत गीता का जो जिस तरीके से लोगों ने उसका अध्ययन प्रारंभ किया है, एक सार्वभौमिक ग्रंथ के रूप में आज गीता सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। तो मान्यवर एक ऐसा भाषा, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सारी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत कही जाती है, किसी न किसी रूप में वो संस्कृत से ही निकली हैं। इन तीन संस्कृत विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से निश्चित रूप से संस्कृत के विद्वानों को शोध और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं है, संस्कृत में अगर आप देखें, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे मानव विज्ञान हो, चाहे नाट्य हो, कला हो, आज दुनिया की कोई ऐसी
संस्कृति नहीं है जो हमारे संस्कृत भाषा में न हो। हमारे संस्कार संस्कृत से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति आज भी हजारों वर्ष बाद इतने आक्रांताओं ने जिसे छत विछत करने का प्रयास किया, लेकिन आज इतनी मजबूत थी हमारी संस्कृति जो आज भी जीवित है और जिससे भारत की पहचान सारी दुनिया में बनी हुई। ऐसी समृद्ध भाषा की जब कोई आलोचना करता है तो मान्यवर जरूर पीड़ा होती है। संस्कृत किसी जाति की किसी धर्म की भाषा नहीं, सार्वभौमिक भाषा मैंने कहा है। और संस्कृत का ज्ञान के लिए कोई किसी के पास कॉपीराइट नहीं है कि ज्ञान संस्कृत का केवल कोई ही अर्जित कर सकता है। संस्कृत के ज्ञान हर विद्वजन के लिए संस्कृत उपलब्ध है, उसका ज्ञान अर्जित करने के लिए। ऐसी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसी भाषा में शोध और अनुसंधान हो और हजारों वर्ष पहले का जो हमारा साहित्य है उसके ऊपर अध्ययन हो। आज भी हमारा जो वैदिक काल का विज्ञान है हम पूरी तरीके से उसको विकसित नहीं कर पाए हैं और आज आवश्यकता है संस्कृत को जड़ों से मजबूत करने की। हम लोग जब प्राइमरी विद्यालयों में जूनियर स्कूल में पढ़ते थे संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी, लेकिन इन पिछले वर्षों में संस्कृत की उपेक्षा हुई। संस्कृत विद्यार्थियों को संस्कृत प्राइमरी जो जूनियर स्कूलों में हाई स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में होती समाप्त कर दी गई और धीरे धीरे जब नीचे से संस्कृत पढ़ के नहीं आते तो उच्च शिक्षा में संस्कृत का ज्ञान सीमित हो गया और आज संस्कृत पाठियों की संख्या कम होती गई। मान्यवर संस्कृत केवल भाषा के रूप में अगर विकसित की जाती तो जितनी समृद्ध भाषा संस्कृत है उससे निश्चित रूप से हमारी ज्ञान और हमारी गरिमा भी सारी दुनिया में बढ़ती। आज तमाम दुनिया के पाश्चात्य देश संस्कृत साहित्य में शोध और अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ की तमाम पांडुलिपियाँ यहाँ से ले जा करके उनका अध्ययन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में संस्कृत के उन तमाम ग्रंथों का अध्ययन या उसके ऊपर शोध अभी तक नहीं हो सका। मान्यवर जो जम्मू कश्मीर आज आतंकियों का अड्डा बन गया, कभी शैव दर्शन का केंद्र हुआ करता था और संस्कृत के महान विद्वान वहाँ पर पैदा हुए और उन्होंने संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया। जिन पाणिनि की बात अभी हमारे मित्र ने कही, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के ऐसे विद्वान थे कि मैं समझता हूँ किसी भाषा में व्याकरण का ऐसा विद्वान शायद ही कोई दूसरा जन्मा हो। ऐसे ऐसे विद्वान जिस भाषा ने दिए हों, ऐसे ऐसे विद्या भारती के पुत्र जिसने जन्मे हों, ऐसी भाषा को विकसित करना हम सब भारतीयों का एक दायित्व बनता है। संस्कृत देव भाषा कही जाती है और इसका विकास केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाने से नहीं होगा। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा, संस्कृत को जूनियर हाई स्कूल से ही इसे जोड़ना चाहिए। हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में जब संस्कृत पढ़ाई जाएगी तभी आपके इन संस्कृत विश्वविद्यालयों में आकर के संस्कृत के विद्यार्थी आएंगे और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और तभी संस्कृत का विकास हो सकेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के राज्यसभा में पारित होने से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिल गई है। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से सशक्त बनाने की पक्षधर है और सभी भाषाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। संसद संवाद के अगले अंक में हम हाजिर होंगे लोकहित से जुड़ी किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।